आखिर भेदभाव से ऊपर कब उठेगा भारत? नमस्कार, आप देख रहे हैं द आजाद आवाज। मैं हूं डॉली पांडे आपके साथ। भारत एक तरफ जहां तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़कर आसमान छूने की कोशिश करता है, वहीं बात जब धर्म और जात पात की आ जाए तो कहीं न कहीं से सामाजिक बुराई के रूप में स्वीकारने से डरता है। हम चाहे कितने भी प्रगतिशील हो जाएं, लेकिन धर्म और जातिवाद का कीड़ा हमारे दिमाग से कभी नहीं जाएगा। हाल ही में सामाजिक भेदभाव के कई मामले सामने आ रहे हैं। राजस्थान के जालौर की घटना को अभी देश भूला नहीं था। एक और मामला सामने आया है जहां मंदिर के सामने से निकलने पर 15 साल की दलित लड़की को 9 लोगों द्वारा इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसकी पतली में गंभीर चोट आ गई है। घटना आदिवासी बहुल क्षेत्र आलवा के भोंगवा गांव का है। पीड़िता प्रियंका कटारे का कहना है कि 19 अगस्त को जन्माष्टमी की रात गांव के भीलट बाबा मंदिर के पास मटकी फोड़ कार्यक्रम चल रहा था। वहां उमा माली, संतोष माली, गणेश माली, कमल माली, सुनीता माली, अनीता मामली कार्यक्रम में थी। मैं वहां से अपने घर की तरफ जा रही थी। शारदा, शमा और राधु बोली, ये नीच जाति के मंदिर के सामने हमारे कार्यक्रम में कैसे आ गई? तब मैंने शारदा से कहा, तुम मुझसे भेदभाव कर रही हो। इसी बात को लेकर कमला और गणेश ने मुझे जाति सूचक गालियां दी। दोनों ने मुझे डंडे से मारा। इससे दाहिने तरफ के पसली में चोट लगी है। इसके साथ ही पीड़िता ने बताया कि वहां पर और जितने भी लोग मौजूद थे सभी ने मुझे मारा। रोने की आवाज सुनकर मेरी माँ बहन मुझे वहाँ से बचा कर ले गई। साथ ही प्रियंका ने बताया कि आरोपियों ने मुझे धमकाते हुए कहा है कि दोबारा यहाँ दिख भी मत जाना, वरना जान से मार देंगे। अगर इस रास्ते पर देश चलेगा तो क्या होगा, यह आप तय करिए। इस मुद्दे पर सुनिए कांग्रेस और भाजपा का पक्ष। रोहिन जी, हाल ही में खबर सामने आया है जिसमें एक दलित लड़की जो कि किसी मंदिर के सामने से गुजरती है तो उसको इतनी बुरी तरह से मारा पीटा जाता है कि उसकी पसलियां तोड़ दी जाती हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि 15 साल की मासूम की ऐसी क्या गलती होगी, या फिर एक तरफ हम जहां अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो दूसरी तरफ हम जातिवाद धर्मवाद को लेकर हमारी मानसिकता आज भी इतनी उभरी हुई नहीं है कि हम इतनी छोटी सी बात पे एक लड़की को इतना ज्यादा मार पीट दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण है? जी मैम, इसमें मैं ये कहता हूँ कि अभी भी इस हमारे राष्ट्र में कुछ बहुत संकुचित मानसिकता के लोग बचे हुए हैं जिनके अंदर इस तरीके से कुछ भावना है। लेकिन ये बहुत ही गलत है जहाँ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है, जबकि आज भी भारतवर्ष के कई ऐसे कोने में जब उदाहरण सामने आते हैं, जैसे कि साउथ में एक मंदिर में दलित व्यक्ति को पुजारी बनाया जी। तो मुझे क्या लगता है कि आज भारत का परिदृश्य काफी कुछ बदल चुका है। जातिवाद की राजनीति से उठ के राष्ट्र प्रथम है, इस पर सब सोच रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी तो इस पर बहुत मेहनत भी कर रही है। लेकिन हो सकता है कि कहीं किसी गली में अगर इस तरीके से घटना हुई है, ये बहुत निंदनीय घटना है। मुझे लगता है ऐसे व्यक्ति को कानून कठोर कार्रवाई करे। जी कुंदन जी, खंडवा से खबर सामने आई है जिसमें 15 साल की मासूम बच्ची को सिर्फ इसलिए बुरी तरह से मारा पीटा गया कि वो एक मंदिर के सामने से गुजरती है। क्योंकि वो दलित लड़की थी इसलिए उसे बहुत बुरे तरीके से मारा पीटा है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिर हम अभी भी जातिवाद और धर्मवाद से ऊपर क्यों नहीं उठ पा रहे हैं, क्या कारण है? देखिए डॉली जी, मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार की घटना भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में लगातार हो रही है। जी, कहीं पे आदिवासी बालिकाओं को रेप करने के बाद जलाकर मार दिया जाता है और गाड़ दिया जाता है, कहीं पे इस प्रकार की होती हैं, कहीं पे कई आदिवासी मतलब जो है भाइयों के साथ में अत्याचार होते हैं। अभी अभी जो ये घटना आई है ये बहुत ही, मैं इसकी निंदा करता हूँ तरफ से, ये बहुत ही मतलब जो है निंदनीय घटना है और सरकार को इस पे बहुत कड़ा रुख अपनाते हुए इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम के लिए उचित चाहिए। आज प्रदेश के अंदर इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं वो उससे ये लगता है कि कानून व्यवस्था के ऊपर ये सरकार अपना अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हर वीडियो हो आपके पास। धन्यवाद, बने रहिए द आजाद आवाज के साथ।